बात हुई थी, हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं, और उन्होंने कसम। तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जो मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है आप सबको बताने की। देखिए, एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है हम लोग की पार्टी। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना, जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। और ऐसी कोई बात नहीं सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं, और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी, हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं, और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उससे उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने इस्तीफा दिया। शेर कोई भी होता है, हिरन 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 को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है, इन्हें शेर का नाम क्या ले, 1 2 3 कोई भी नाम ले सकते हैं। देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए का ये निर्णय लिया है। देखिए, आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए देखिए देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहाँ से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए। सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। अच्छा, ये एक चीज आप एक 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 बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं, तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं, और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी, वो दिल्ली तक गई थी, वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला रहा, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया,
उन्होंने उन्होंने बोला कि मेरा विषय ना गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री से उन्हीं के उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथ ही आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। देखिए इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे, अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए, मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। कहां साहस है एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे चार विधायक है ना, एक एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता सब आखिरी जनता ही सब चीज होती है, बाद में तय किया जाएगा।